अस्सलाम वालेकुम, आरके न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आप सबका खैर मकदम है। पुराने शहर के इलाके में एरकुंटा पिंक पैलेस के करीब एक जमीन पर हुआ इलीगल कब्जा। बतला गया कि ये जमीन अब्दुल रहमान बावजीर की है, जिसका कोर्ट में 14 साल से मुकदमा जारी था। कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने इस जमीन को इलीगल बताते हुए GHMC म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जलपली कमिश्नर को ऑर्डर दी कि उस जमीन पर जो कंस्ट्रक्शन है उसे डिमोलिश किया जाए, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या यह उनकी लापरवाही है या फिर जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था? आज मीडिया से बात करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर वाई सुदर्शन ने बताया कि सैटरडे यानी 15 अक्टूबर को बालापुर पुलिस स्टेशन SHO भास्कर की निगरानी में डिमोलिश किया जाएगा। इस काम को NIN न्यूज के एडिटर इन चीफ और तेलंगाना ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट अहमद जैदी ने अपनी टीम और अमजद मोहम्मद अहमद जैदी के साथ इस पूरे काम को मुकम्मल किया। आइए देखते हैं पूरी तफसीलात आरके न्यूज एंड टीवी चैनल पर। एक मिनट, हम बात करो। आप हमारे अब यहाँ पे लिख के राइटिंग में लिख के दे तो हमारे क्या होने वाला है क्या नहीं है, हम चले जाते हैं। काम नहीं है, डिपार्टमेंट का नहीं है। आप जाओ कोर्ट को, जाओ वहाँ जाके आप कोर्ट से ऑर्डर लेने के आने के बाद भी आप खाली बैठे हुए, क्या बात है? खुल के बोलिए, आप वजह क्या है, एक्शन नहीं ले रहे हैं आप? 14 साल कोर्ट के चक्रा मारे, हकदारों को आप नहीं दिलाते, डेली आना जाना है 14 साल से फिर रहे हैं, उनकी हालत देखो, इनकी अक्ल मर गए तो क्या करते साहब, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? बोलो, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर, दुनिया के उनको उठा के लेके आना पड़ा, बीपी है, घर में जिम्मेदारियां है, शादी की, चार चार पांच पांच लड़कियां, क्या बात है? आप लोग परमिशन दी, आप लोग डिमोलिश करो ना सर, उसका आप लोग इशू करें ना परमिशन। आने से पहले आपको कितना रिक्वेस्ट करें, आप सुने बात नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ कोर्ट को जाओ, बोले कोर्ट से ऑर्डर ला लिया, कोर्ट ने ऑर्डर आया, उन्हें फाइल पुट अप करो, बोला था नहीं कर रहे टीपीओ, आप कमिश्नर है, आप उनके ऊपर है, तो आपका काम है, पूछो रीजन क्या है। कोर्ट सब कुछ बोले हुआ है, वो पीटीओ को नहीं पसंद था कोर्ट, कमिश्नर चार्जेस फ्रेम करते हूँ, कमीशन नहीं जाता ना, उन्हें सेक्शन करे तो आप ऑर्डर दिए ना साहब, ऑर्डर दिए उनको, पुटअप नहीं कर रहे, कहीं को नहीं कर रहे, आप पूछो रीजन फोन लिफ्ट ना करे, उन्होंने आप रीजन लियो आप उनसे, अभी दियो मेरे को क्या है इसका पूरा यूएसओ आंसर, बना करो, पब्लिक को बुलाओ, पूरा वहाँ पर धरना नहीं है, बोला घटना ही नहीं है यहाँ से, जब तक लेटर नहीं आया तक पूरा धरना देंगे, बैठेंगे फुल राइट से, प्रतीक जैन का भी गया, वहाँ भी गया, साफ फोन नहीं, कलेक्टर ऑफिस भी गए हम लोग, कलेक्टर जॉइंट कलेक्टर के पास भी जो है फाइल देखे आए, उन्होंने भी बोले मैं एक्शन लेता हूँ, बोले आपके ऊपर हाई को नहीं कर रहा हूँ कमिश्नर, मैडम का नहीं गया, मैडम बोले ये क्या आपसे बात करे मैडम मॉर्निंग में, कितना जगह जाना साहब, बुढ़ा आदमी कहाँ फिरेगा बताओ आप, 50 वक्त कर लो साहब, आप फोन नहीं उठाएगा डिप्यू मैडम, कमिश्नर साहब को रिस्पॉन्स नहीं करा तो तुमको हम क्या, जब बोलो जॉब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं साहब, ड्यूटी है नहीं है, ठीक मैं भी फोन कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं उनसे बात करो डीपी मैडम से, डीपी मैडम से फर्स्ट टाइम बोला, हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं, उनका काम है ना साहब, अरे कब आता बोलते टाइम दिए तो बोल देते, मंडे बोले ना सर, मंडे फिर सर अब पूरा टाइम हो जा रहा ना कोर्ट का, क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद फांसी डाल के मर जाना यहाँ पे सर, फायदा ली पे, अरे कोई डिपार्टमेंट वो नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कॉल करे तो रिस्पॉन्स ही नहीं है, फाइल गया बोलते हैं आपको कुछ प्रेशर है क्या साहब, आप क्या बोलो, आपको क्या प्रेशर है, आपको कुछ प्रेशर है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, क्या क्या वजह क्या है बोलो, रीजन क्या है, चार्ज में मत दे, तुम बोर्ड मैडम में एक्सीडेंट है ना, अभी ये सब आप बोल दिए उधर भी पूरा, आप 300 फोन करो साहब, उन्हें उठाने वाले नहीं है, उन्होंने टोटल मैनेज है, मैं आपको बोलता हूँ ये बात सुने, करप्ट है यहाँ पे पूरे,
मिसयूज कर रहा है, पूरा करप्ट चल रहा है यहाँ पे। मैं ये चीज को जो है ना उठाता हूँ सर मीडिया में, और आप इसका आंसर देना। हम सबसे बात करो, कब दे तो बोलते जो भी हो ना, अभी चल ना कम्प्लेट कर, ऑर्डर आ गया 6 महीने आ गया। వాట్సాప్ కాల్నున్నారా? అదే చాలా చెప్పు అయింది, ఒకటే ఫోన్ కొడుతున్నా. వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడికి ఏందమ్మా, మీరు మండే ఫైల్ పుట్అప్ చేస్తా అంటే వాళ్ళు వచ్చి వీడు ధర్నా కార్యక్రమం పెట్టింది అందరు. దాని ఇష్యూ ఏంది నాకు ఇప్పుడు? అది కదమ్మా, నువ్వు ఫైల్ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ రాయమంటే ఆ ఫైల్ ముందు పెడితే నేను సంతకం పెడతా కదా, ఎస్ఐ గారితో మాట్లాడతా కదా, జేసీబీ అనిపించా ఎప్పుడు పెడతావు నాకు? అదే కరెక్టేనమ్మా, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు చెయ్యని నుంచి ఫోన్ అంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం సమాధానం చెప్తావు వాళ్ళకి చెప్పు. అదేనమ్మా, ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు చాటుమమ్మ ఇవ్వాల్సి వస్తా, నేను ఏం చేయాల్సి వస్తా దాన్ని హైకోర్టు దానికి? వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు వీళ్ళంతా ధర్నా చేస్తారు ఇక్కడ అందరు, నేనేం చెప్పాలి సమాధానం? కరెక్టేనమ్మా, ఎప్పుడు చేస్తావు చెప్పు, నువ్వు నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తావు చెప్పాలి, ఇప్పుడు నువ్వే చెప్పు సమాధానం. ఎన్నడు ఎన్నడు పెడతావు? ఎన్నడు? ఫ్రైడేనా? ఫ్రైడే నాడు పెడతావు? ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడమ్మా, వాళ్ళతో మాట్లాడు, వాళ్ళకి చెప్పు, నువ్వు వాళ్ళకి చెప్పు. యా మీడియా ఆయీ హే, మీడియా కు జవాబ్ దో, ఆ ఫ్రైడే బోల్ రహే, ఫ్రైడే కు జో హై సో బరాబర్ ఆప్ కర్నా, నహీ తో రైటింగ్ మే లిఖ్ కే దేనా ఆప్. సర్ మేం అంటే వాళ్ళు రిప్లై ఇచ్చిరు, నేను కూడా ఆఫీస్ వచ్చింది, నా ఆఫీస్ నేను వన్ డే లీవ్ లో ఉన్నా, ఇప్పుడు ఈ వీక్ నా డ్యూటీ ఉంది 2 డేస్. నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు? సర్ షూట్ సర్, నేను నా ఫ్రైడే సాటర్డే అక్కడ డ్యూటీ. ఆ ఫ్రైడే సాటర్డేనా? సాటర్డే పెడతావా? నీకు అట్లాని కాదు, నువ్వు ఫస్ట్ నేనేమంటున్నా అంటే పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కోసం రేపు పెట్టున్నా నాకు, నాకు పెట్టేసి రేపు సిఐ గారికి ముట్టాలి పోలీస్ ప్రొటెక్షన్. ఫ్రైడే వద్దు కానీ విను, శుక్రవారం వద్దు, ఫ్రైడే వద్దు, ఫ్రైడే వద్దు, నా నమాజ్ ఉంటది, ఫ్రైడే వద్దు, సాటర్డే పెట్టేసి, సాటర్డే మార్నింగ్ మార్నింగ్ వస్తున్నా చేయాలి పని. 10 o'clock అయిపోవాలి ఉదయమే, మార్నింగ్ 9:30 అక్కడ ఉండాలి. మర్ జాయేగా కరేగా తో ఫోన్ రహేగా రెస్పాన్సిబుల్, తిన్ తిన్ లడ్కీ హై ఉస్కా షాదీ కా. సార్ ఏం లేదు సార్, జరా ఎదకుంటలా, రేపు మన సాటర్డే సార్ పోలీస్ బందోబస్తు చేయాలి మాకు, ఒకటి డిమాలిష్ ఉంది సార్ ఒకటి. నేను రేపు పంపించేస్తా మీకు సాటర్డే, సాటర్డే ఉదయం 9:30 చేసి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాం. అదొక లెటర్ పంపిస్తా సార్ కొద్దిగా. ये एरेकुंड की जमीन पे हम 12-14 साल से केस लड़े थे, अब हम यहाँ पे आए अहमद जी के साथ में कमिश्नर बलिया के जलपल्ली के, तो हफ्ते के दिन डिटेंशन करने का ऐसे बातचीत हुई कमिश्नर साहब से, हम ये तोड़ने का आर्डर मिलने के बाद भी ये लोग ने तोड़े, आज बातचीत हुई है अहमद भाई में, यासीन ये लोग आए थे, तो इंशाल्लाह देखेंगे हफ्ते के दिन का वादा करें हैं क्या होता है देखेंगे. वासिम बोलो तो उसको बनाते जा रहे हैं. तो आपको पुलिस सपोर्ट कर रही है? कोई पुलिस वोलिस सपोर्ट नहीं करी, जाके बोले भी तो सिविल मैटर है, बताएं जाके बताएं, जब आप कोर्ट आएंगे बताएं. और हम कोर्ट से ऑर्डर लाए बाद भी हमारे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कि म्युनिसिपल से, अल्हम्दुलिल्लाह आज कमिश्नर साहब हमको निशन ऑर्डर लाओ वो लाओ ये लाओ बोल के फिरा रहे हैं हमारे जबान पे. और अहमद जैदी साहब के संगात हम लोग आए थे, साहब का भी बहुत बड़ा ताउन हुआ मीडिया से, इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि सैटरडे के दिन साहब पूरा ऑर्डर ओबे करे, जैसा कोर्ट ऑर्डर्स ओबे करे जैसा.